हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को पालक पनीर की सब्जी बताने जा रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है मैं भी बताती हूँ। उसमें मुझे पालक है, पालक को मैं पानी डालकर धो धा करके मैं रख ली हूँ कटिंग करके। इसे मैं पानी डाल करके उबालूंगी। उसमें मुझे पनीर चाहिए, तेजपत्ता, जीरा, थोड़ा अदरक, इसमें मिर्च भी, सूखा मिर्च भी डालेंगे, मैंने रखा नहीं वो भी डालूंगी। और ये पनीर हो गया, और यह प्याज है। जो प्याज नहीं खाते हैं वो बिना प्याज के भी बना सकते हैं, प्याज को स्किप कर देंगे। और इसमें मसाला है बल्कि जीरा और लहसुन। जो लहसुन नहीं खाते तो इसमें लहसुन नहीं पीसेंगे, अदरक का यूज करेंगे, ठीक है ना। और अदरक का यूज करेंगे, मैं अदरक नहीं खाती हूँ इसलिए मैं लहसुन का यूज कर रही हूँ। अब मैं इस पालक पर मैं पानी डालूंगी। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे कि पालक में खुद बाई खुद पानी छोड़ देता है। इसे मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। उबलने के लिए मैं छोड़ूंगी, उबाल आ जाएगा थोड़ा सा, तब इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी। उचित दिया तब देखिए मेरा प्याज कितनी अच्छी तरह से पक गया है, क्योंकि पिसा हुआ मुझे पसंद नहीं है। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मैं सारे मसाले यूज करूंगी, टमाटर डालूंगी, इसे भी थोड़ा मैं इसे भी आप ग्रेवी बना करके आप दे सकते हैं। इसमें ज्यादा टमाटर गलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मसाला फ्राई होगा उसके साथ ये पक जाता है। ओके, मैं मसाला इसमें डालूंगी। गोलकी, जीरा, लहसुन का मैंने ये पेस्ट बना रखा है। 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। आप अपने जितना क्वांटिटी बना रहे उसके अनुसार से मसाला देंगे। मेरा 1/2 kg पालक है, 200 ग्राम पनीर है, उसके अनुसार से मैं मसाला इसमें डालें। 4 बड़े बड़े प्याज मैंने काटी थी, आप 4 बड़े बड़े प्याज काटेंगे। अगर इसी क्वांटिटी में बनाते हैं तो अब इसमें मैं आप डालूंगी हल्दी और मिर्च। अब मैं इसमें हल्दी डालने जा रही हूँ। थोड़ा इसमें मिर्च डालूंगी, गरम मसाला का यूज नहीं करेंगे। मिर्च भी अपने स्वाद अनुसार से, जिसे तीखा पसंद है डाल दें, मुझे ना तीखा बहुत ज्यादा पसंद है ना कम पसंद है। मैं इसमें थोड़ा सा मैं धनिया डाल रही हूँ, 1/2-1.5 चम्मच इससे मैं धनिया डाल रही हूँ बस। और इसमें मैं हींग का भी यूज करती हूँ, क्योंकि हींग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो थोड़ा मैं इतना छोटा सा मैंने हींग भी इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं सारे को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। मेरा पालक उबल गया है और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ रखी हूँ, क्योंकि गरम गरम मिक्सी में अगर इसे पीसेंगे तो मिक्सी खराब होने का चांस होता है और ये ढक्कन उड़ने की डर रहता है, ठीक है ना। इसे मैं ठंडा करने दे रखी हूँ और जब ठंडा होगा तो मैं इसे पीसूंगी। जब तक मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ, जब तक ये ठंडा हो जाएगा। अभी मैं इसे डालूंगी नहीं, मसाला अच्छी तरह से फ्राई करूंगी तो ये पनीर डालने के बाद फिर फ्राई करूंगी। ये मसाला फ्राई होने वाला है। जब भी इसे मसाला लगे कि अंदर से चिपक रहा है तो थोड़ा सा इसमें जो पालक का जो पानी था ना वो थोड़ा सा डाल करके फिर से फ्राई करेंगे। कम से कम इसको फ्राई 15 से 20 मिनट इसको करेंगे तो अच्छा बनेगा। तब पालक डाल के 10 से 15 मिनट तक का इसको फ्राई करना चाहिए। मेरा ये जब फ्राई होगा तो आपसे साइड से लगेगा ये तेल छोड़ने लगा है, समझ जाइए कि मेरा ये फ्राई हो गया है। अब इसे मैं पालक डालूंगी।
मेरा मसाला बन करके तैयार है। और ये मेरा पालक भी मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं इसे डालूंगी। गैस को मैं तेज कर दूंगी, क्या तेज दूंगी, और जो मिक्सी मिला है उसको मैं इससे भी मैं थोड़ा सा हटा निकाल ली। अब इसको मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। इसे भी फ्राई करूंगा, अगर इसे आप फ्राई नहीं करेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। थोड़ा तो इसके साथ ही मसाला और इसको मिलाकर 5 मिनट तक इसको मैं इसे फ्राई करूंगी। मिलती हूँ फ्राई करने के बाद। मेरा ये पालक अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं पनीर डाल दूंगी। आप पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालूंगी। मेरा ये पालक पनीर बनकर तैयार हो गया है। बहुत यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी, वाओ। इसे बनाएं और खाएं फैमिली के साथ, एंजॉय करें। टाटा बाय बाय।